हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने एग्ज़ाम संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन और पीडीएफ बनाने के लिए बताया था। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे पेंसिल से एग्ज़ाम लिखते हैं, इसकी वजह से स्कैनिंग में दिक्कत आती है और ये पेंसिल से लिखा हुआ जो है वो काफ़ी मिटने जैसा दिखता है पीडीएफ में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि एक अलग तरीके से आप वीडियो किस तरह से बनाएंगे। तो पेरेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चे का किया हुआ पेपर है, तो मैं इसके थ्रू आपको उदाहरण से समझाती हूँ। ये आप क्या करेंगे कि नॉर्मल कैमरे से इसका फ़ोटो खींच लेंगे। देखिए इस तरह से, और जितने भी चाहिए वो आप खींच सकते हैं। जितने पेज बच्चे ने लिखा है इस तरह से आप खींचते जाएंगे। देखिए ये, देखिए अब मैंने सारे पेजेस का फोटो नॉर्मल कैमरे से खींच लिया है। अभी इसको क्या करना है, पीडीएफ बनाना है, और किस तरह से बनाना है ये हम आपको बताएंगे। इसको बंद करते हैं, हम कैमरे को बंद कर लेते हैं। अब देखिए, आपको जो मैं बताई थी एप्लीकेशन है ईओसी स्कैनर, देखिए डीओसी स्कैनर, यही मैंने आपको बताया था। ये एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं और अपने बच्चे की कॉपी का पीडीएफ बनाते हैं। देखिए पेरेंट्स, ये इस तरह से खोल के आ जा रहा है। अब आपको क्या करना है, हमें गैलरी पर जाना है। ये देखिए, देखिए यहाँ एक कैमरा दिखाई दे रहा है और दूसरा गैलरी दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, हमें गैलरी पर टच करना है। अगर यहाँ गैलरी नहीं दिखाई दे रही है तो आप ऊपर जाएंगे एप्लीकेशन के जस्ट ऊपर, देखिए ये तीन डॉट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, देखिए इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी, इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी। तो ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए गैलरी में मेरे इतने सारे फ़ोटो आ गए हैं, ऑल मीडिया है, कैमरा है, व्हाट्सएप है और भी चीज़ें हैं। तो आप देखिए, आपको क्या है, कैमरे से लेना है क्योंकि हमने कैमरे में फ़ोटो खींचा था। तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए कैमरे की सारी ये फ़ोटोज़ दिखाई दे रही है, जितने भी हमारा ये गैलरी में फ़ोटो दिख रहा है ये सब कैमरे से लिया हुआ फ़ोटो दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो जो आपने अपने बच्चे के कॉपी का फ़ोटो खींचा था उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, मैंने सात पेज पूरा का पूरा खींचा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे जो भी मैंने सेलेक्ट किया है ये यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि सेवन है, कितने इमेजेस है, सेवन है। तो इसको हमें डन कर लेना है, यहाँ से मैंने डन का बटन क्लिक कर लिया। थोड़ा टाइम लगता है, देखिए मैनुअली है तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं पेरेंट्स, यहाँ पे आपको फ़ोटो को क्या करना रहता है, एडजस्ट करना रहता है। तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। जैसे पहले भी मैंने, पहले की वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि आप क्या करेंगे, इसको पीडीएफ बनाने से पहले या भेजने से पहले इसे वन बाई वन एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा पहला पेज एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट हम ये नेक्स्ट के लिए यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है, सेवन दिखा रहा है, टोटल कॉपी सेवन है, एक मैंने कर लिया है। अब नेक्स्ट बाकी के सिक्स हैं, करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया, देखिए ये ऑलरेडी एडजस्ट है। ओके, अब देखिए मैंने दो पेज यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एडजस्ट है और इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। आप देखेंगे कि जो इमेज अच्छे से एडजस्ट नहीं है, कभी कभी आप क्या करते हैं कि फ़ोटो खींचते समय आप इतनी हड़बड़ी कर देते हैं कि कभी बिस्तर का, कभी टेबल का, कभी पेंसिल और इरेजर का वगैरह वगैरह सब उसमें पिक्चर आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हटाते हुए आपको एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट के लिए हमेशा आप इस एरो को ही
यूज में ले आएंगे। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। ओके नेक्स्ट, अब आप पेरेंट्स देख सकते हैं कि मैं पूरे पेज 7 पेज थे और 7 का 7 हमने पूरा अच्छे से एडजस्ट करके उसको सही से कर लिया है। अब इसको क्या करना है, ओके कर देना है, टिक पे जाके ओके कर देना है। कुछ प्रचार आते रहते हैं, आप उसे क्रॉस कर लीजिएगा। ओके अब आप देख लीजिए, 1 पेज 2 3 4 5 6 7 ये आप देख सकते हैं, ये पहला हमारा पेज है, दिखा भी रहा है, ये पहला पेज है। डियर पेरेंट्स, इसमें आपके बच्चे का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है पेपर में, इसके बावजूद भी आपको पीडीएफ जब भेजते हैं या बनाते हैं तो पीडीएफ पर भी आपको क्या करना होता है, नाम लिखना होता है। अब आप देख सकते हैं 7 पेज पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट शेयर ऑप्शन पे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ शेयर ऑप्शन है, इस पर हम जाएंगे और यहाँ से हम शेयर करते हैं। क्या है, शेयर ओनली दिस फाइल, तो हमको सिर्फ ये फाइल नहीं सेंड करना है, शेयर करना है, बल्कि हमको क्या करना है, शेयर एंटायर डॉक्यूमेंट, हमको ये पूरे के पूरे 7 पेजेस के डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। तो हम एंटायर डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, आप देखिए मुझे इमेज शेयर नहीं करना है, इमेज के लिए ये होता है, लेकिन हमें तो पीडीएफ बनानी है ना, तो हमें पीडीएफ पे जाना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे अपने बच्चे का नाम लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया एलेक्स, एलेक्स भी लिख लिया, और इस पर क्लास भी अपना लिखेंगे, मान लीजिए यूकेजी का है तो यूकेजी लिख लिया ए, ओके। और चाहे तो आप सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज, देखिए रोल नंबर मान लीजिए कि 1 है तो 1 हमने लिख लिया, ओके। इसके बाद हमारा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए हिंदी, हिंदी लैंग्वेज पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लैंग लिखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पीडीएफ का नाम एलेक्स यूकेजी ए रोल नंबर 1 हिंदी लैंग, ओके करते हैं। देखिए आ गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपके पीडीएफ का नाम, देखिए पीडीएफ का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम शेयर ऑप्शन को लेते हैं और शेयर कर देते हैं। आपको किसको शेयर करना है, आप अपने बच्चे के सब्जेक्ट टीचर को शेयर करना है। अब देखिए मेरा हिंदी मैम है विनीता मैम, देखिए ये विनीता मैम है, इनको मैं पर्सनली जाकर और शेयर कर दूंगी। ये देखिए पेरेंट्स, ये हमारा पीडीएफ का नाम है एलेक्स यूकेजी ए रोल नंबर 1 और हिंदी लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है पीडीएफ पे छोटा सा लिखा हुआ है, हम कितने पेजेस शेयर कर रहे हैं, 7 पेजेस शेयर कर रहे हैं, तो ये 7 पेजेस मैम को मिल जाएगा। देखिए ये चला गया, तो मैम जब अपना मोबाइल खोलेंगी तो इसे देख पाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करिए, थैंक यू।